जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम नॉर्मल स्पीड में, ये स्लांट में ही चल रहा है, लेकिन अगर ये घूमते समय ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर हिल रहा है, तो फिर आपके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है और आपको शोरूम वालों को ये फिक्स करने बोलना है। सो हेलो गाइस, इट्स अर्शाद साहू, और आज हम फिर से आज वापस आ चुके हैं, और आज हम देखेंगे कि आपको डिलीवरी लेने से पहले क्या क्या प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आपको अपनी गाड़ी में करना चाहिए, जो कि एक हर एक नए गाड़ी जो भी आप शोरूम में ख़रीदने जाते हैं तो आपको गाड़ी में एक बार चेक कर लेना चाहिए ये चीज़, क्योंकि बाद में आपको एक बार आप आपने पैसा दे दिया, आपने अपना पेपर्स ले लिए, इंश्योरेंस ले लिए, रजिस्ट्रेशन करा लिया, गाड़ी आप निकाल लिए एक बार शोरूम से, उसके बाद ये सब चीज़ें और गाड़ी को चेंज कराना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करने वाले हैं जो कि रहेगा अपना ऑयल। सो गाइस, ऑयल हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे गाड़ी का। तो ऑयल चेक करने के लिए पहले मैं एक बार इसको मेन स्टैंड में कर लेता हूँ। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑयल का लो लेवल ये है और फुल जो है वो ये है, तो ये अराउंड यहाँ होना चाहिए, इससे नीचे तो होना नहीं चाहिए। आप एक बार यहाँ पर भी है एक बार शोरूम वालों को आप बोलिए कि इसको आप मेरे को टॉप अप करके दें पूरा, क्योंकि आप यार पूरा पैसा दे रहे हैं अपने गाड़ी का। तो एक बार मैं इसको मेन स्टैंड में लगाता हूँ, आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ कि ऑयल कितना होना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ऑयल का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आ गया है, और अब मैं जैसे ही इसको रैप करूँगा वैसे ही और बढ़ेगा। तो जैसे कि आपने लेकर देखा गाइस कि कैसे ऑयल का लेवल सडनली ऊपर आता है जैसे अपन इंजन स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑयल लेवल आपको चेक कर लेना है कि फुल में रहे, ऊपर वाले उसमें रहे। दूसरा अपन जो ऑयल चेक करेंगे वो है, एक सेकंड, हम लोग इसको चेक कर लेंगे ब्रेक ऑयल जो कि रहता है। ब्रेक ऑयल को आप यहाँ से खोल के आप देखेंगे कि ये देखिए ये इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ये जो आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये लाइन, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए ब्रेक ऑयल। इसके आप देख सकते हैं अभी एकदम फुल है ये, इसको हम वापस लगा देंगे इस। तो गाइज मैंने इसको फिर से लगा लिया है, और दूसरा अब हम जो चेक करेंगे वो है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल को चेक करने का सबसे अच्छा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, स्क्रू ड्राइवर लेना है, ऊपर के दो बोल्ट्स खोलने, उसके बाद एक नीचे प्लास्टिक कैप उठा के देखेंगे तो आपको ऑयल नॉर्मली दिख जाएगा, है ना। तो ये हो गया दो, सबसे पहले जो आपको दो चीज़ें चेक करनी, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, और ब्रेक ऑयल जो आप पीछे का जो आपने देखा वहाँ पर इंजन के पास, और दूसरा जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा, हम वो देखेंगे कि हमारे EFI सिस्टम जो है, जो कि BS6 EFI आ रहा है, तो EFI में हम ये देखेंगे कि हमको पूरा फ्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करवा पा रही है कि नहीं कंपनी, ये देखिए। तो आप लोगों को एक खोलने के बाद चेक कर लेना है कि आपकी स्पेयर फ्यूज़ जो आप ऊपर में देख पा रहे हैं, तीन ठो जो ऊपर में आप देख पा रहे हैं स्पेयर फ्यूज़ वो, और नीचे जितने फ्यूज़ हैं वो आपको दिखने मिलने ही चाहिए साथ में। अगर नहीं है तो आप एक बार चेक करिए, उनको शोरूम वालों को बोलिए कि मुझे ये जो फ्यूज़ है इसमें मिसिंग है, आप मुझे लगा के दीजिए, वो आपको फ्री में ही लगा के देंगे। और गाइज इसके बाद यहाँ पर तो आपको कुछ बैटरी के पास चेक करने का वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बैटरी में फ्यूज़ नहीं होगा तो आपका गाड़ी और इग्निशन चालू ही नहीं होगा, और उसकी स्पेयर फ्यूज़ की आप टेंशन है, स्पेयर फ्यूज़ तो साथ में दे गई, अगर नहीं दिया तो एक बार यहाँ पर सब खोल के चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम पाँचवा चीज़ चेक करेंगे वो है अपना गाड़ी का जो हॉर्न वगैरह जो है, इंडिकेटर वगैरह, हॉर्न वगैरह चलना चाहिए, इंडिकेटर जो कि आगे पीछे आप दोनों देख लीजिएगा, ये सब PDI के जनरल PDI में आता है। अब पार्किंग लाइट देख लीजिएगा, BS6 में पार्किंग लाइट की जैसी ही अपन ऑन करेंगे वैसे ही जलता है, इंडिकेटर बंद कर दें। अब एक बार ऑन करके आप देखिएगा, यहाँ पर से मैंने जब गाड़ी लिया था तो यहाँ से मेरा ये जो आप वायर देख पा रहे हैं ये निकल गया था, जिसकी वजह से क्या ब्रेक मारने से, मतलब ऐसे आप जब सामने का ब्रेक मारेंगे तो पीछे जो टेल लाइट है वो जल नहीं रहा था, तो बाद में मुझे ये पता चला कि वो ब्रेक का लाइट है, फिर मैंने उसको फिक्स कर दिया और उसके बाद वो जनरली हो भी गया नॉर्मली, उसके बाद वो चलने लग गया। तीसरा जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है, सो गाइस वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अब ये क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है,
सबसे पहले अपन गाड़ी ऑन करेंगे। गाड़ी ऑन करने के साथ ही साथ आपको ये, आपको तीनों लाइटें देख लेनी है। और ये तो लाइट आपकी जलती रही, तीन शोरूम वाले आपको 2.5 से 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल देंगे नहीं, और 2-2.5 लीटर से अगर जैसे ही कम होता है पेट्रोल तो ये रिजर्व का लाइट जलने लग जाता है। तो ये तो ऐसे ही जलते रहेगा। जो आपको ABS है वो तो जलेगा ही। चलो ये जो ट्रांसमिशन लाइट है, इंजन लाइट, उसको कैसे चेक करेंगे, जैसे ही अपन किल स्विच ऑन करते हैं वैसे ही ये जल जाएगा, जैसे ही अपन इसे बंद करेंगे वैसे ही ये बंद हो जाएगा। जैसे ही अपन इसको किल स्विच ऑन करने के बाद सेल्फ देंगे, गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई, ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। तो गाइज ये अपने को चेक कर लेना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो आपको देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें आपको देख लेना है न्यूट्रल का लाइट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना है। इससे फिर गाड़ी आदमी लेने गया है कि मतलब है ना, तो इतना भी कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, बस जनरल चेकअप कर लीजिए गाड़ी को। बाकी छोटा मोटा कुछ रहता है तो आप शोरूम में दिखाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा कि मेरा टैंक पील ऑफ हो रहा था, मतलब पेंट जो किया, तो उन लोगों ने मुझे घुमाया ज़रूर, लेकिन 2-3 महीने में उन्होंने इसे रिप्लेस करके दे दिया। और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा, आप अपने इंजन नंबर, जो आपका इंजन नंबर है, इसको अपने गाड़ी के पेपर से मिला लीजिएगा गाइस, क्योंकि हो सकता है आपको, हो सकता है, ऐसा मैं डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन मे पॉसिबल कि कई शोरूम्स में हो सकता है कि आपको डैमेज्ड या एक्सीडेंटल गाड़ी दे दें, तो आपको एक बार ये और अपना पेपर, ये आपको दोनों को मैच करके देखना, पेपर का इंजन नंबर और ये गाड़ी का जो इंजन नंबर है, इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कभी मत भूलिएगा अगर आप PDI कोई सा भी गाड़ी का कर रहे हैं, मोटरसाइकिल, कार हो, कोई सा भी हो। अब हम गाइस बात करने वाले हैं हमारे हमारे व्हील अलाइनमेंट का। तो व्हील अलाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गियर, फर्स्ट गियर में गाड़ी को डालेंगे। एक मिनट, स्टैंड ऊपर कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर में डालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो व्हील है वो वॉबल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम नॉर्मल स्पीड में, ये एक स्लांट में ही चल रहा है, लेकिन अगर ये घूमते समय ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर हिल रहा है, तो फिर आपके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है और आपको शोरूम वालों को ये फिक्स करने बोलना है। लास्टली गाइस, जो आपको चीज़ करना है वो है पेंट जॉब। सो गाइस, आपको पेंट जॉब में एक बार क्लोजअप से देख लेना है, फ्लैश जला के आपसे जो बने। मेरा भी गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, पानी गिरा था कल, तो उसकी वजह से थोड़ा डस्ट भी चिपक गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले देख लेना है सामने की तरफ कोई चिप्स थोड़ी ना है, चिप मतलब यहाँ से कोई पेंट टुकड़ा थोड़ी ना है, टकराया थोड़ी ना है, डेंट वगैरह देख लेने हैं, स्क्रैचेस देख लेने अपने गाड़ी में। टैंक में आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ पर कोई स्क्रैचेस या चिप्स वगैरह थोड़ी ना है, यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर देख लेना है, अपने मडगार्ड पीछे देख लें आप, यहाँ देख लें, और यहाँ, और कुछ नहीं, बस ये आपका PDI कंप्लीट होता है इसके साथ ही। और इससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। और कुछ छोटे मोटे, जैसे कि आपको लीवर वगैरह, ब्रेक वगैरह चेक कर लेना है प्रेस करके, ये वो नॉर्मल जो आप गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं। लास्ट इन द केस में, लास्ट बट नॉट इन द लीस्ट बोल सकते हैं उसको, वो है हमारा एयर फिल्टर। तो गाइज, ये BS6 में कवर आने लग गया। BS4 में, जैसे कि आपको मालूम है, एयर फिल्टर डायरेक्ट लगता था, अब BS6 में ये कवर इन लोगों ने लगाया है। तो आप चाहें तो इसे खुलवा के आप सामने में चेक कर सकते हैं कि आपका एयर फिल्टर लगा है कि नहीं। मैं खुलवा के वहाँ पर चेक कर लिया था। शर्माने की ज़रूरत नहीं है यार दोस्तों, आप पैसा दे रहे हैं गाड़ी का, आप पूरा इंस्पेक्शन कीजिए अपने गाड़ी का, उसके बाद तसल्ली करके ही गाड़ी लेंगे आप। फ्री में आप गाड़ी शोरूम से नहीं निकालते हैं, अपने पैसा दिया होता है 2-2.5 लाख रुपये, जो कि एक कम अमाउंट नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, एक टू व्हीलर के लिए। आप सोचिए वो समय जब बुलेट, मतलब एक बुलेट ही नॉर्मली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए एक समय था जब 1.5 लाख में बुलेट मिलती थी, और आज इस गाड़ी का रेट है अराउंड 2.21। जब मैं ले रहा था, मतलब अगस्त में जब मैंने बुकिंग की और जब मैं इसे लेने गया, तो मुझे वो गाड़ी पड़ी 2.25 की, अभी वो 2.28 2.30 की है। तो गाइस, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको गाड़ी में चीज़ें भी मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको गाड़ी के वैल्यू जो आप पे कर रहे हैं उसका आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये है। और गाइज, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको EFI चालू करके देख लेना है, और यहाँ पर से साउंड आना चाहिए, साउंड तो आएगा ही फ्यूल मोटर का, एक बार वो तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, साउंड सुनिएगा गाइज आप, एक बार और सुना देता हूँ आपको। तो गाइज, इस तरीके का कुछ साउंड आपको मिलने वाला है EFI में।
तो आपको एक बार मैं साउंड भी इसका सुना देता हूँ। लास्ट में PDI आपका जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इससे ज़्यादा आपको कुछ चेक नहीं करना है। एक चीज़ छोटी सी बात बता देता हूँ, यहाँ पर आपको देख लेना है कि मडगार्ड अगर आपका टेढ़ा है तो अगर थोड़ा सा भी इधर होगा ना तो ये जो है अगर शॉकर में आप मतलब जैसी गड्ढों में जाएंगे तो ये जो ऊपर का कवर है टकराता है, जिसकी वजह से पेंट जो है ना वो घटते हैं। मैंने ये ध्यान दे दिया था दूसरे दिन ही, तो मैंने ये शोरूम जाके अपना फिक्स करा लिया। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, PDI आपकी कंप्लीट होती है। और कोई भी आप जाते हैं गाड़ी तो ये नॉर्मल बहुत 5 से 10 मिनट ही लगता है ये सब करने में, तो आप एक बार करिए, अपना फुल सेटिस्फेक्शन दीजिए। और कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट शोरूम वालों को बोलिए, आप फ्री में नहीं ले रहे हैं गाड़ी में। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका पूरा हक है उस गाड़ी में, आप पूरा इंस्पेक्ट कर सकते हैं उस गाड़ी को। ठीक है गाइस, देखिए आप देख सकते हैं अभी लॉकडाउन है, उसके बावजूद मैं भी आके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। तो गाइस लाइक करिए यार वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ उसमें क्लिक करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल, एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा होगा उसको भी प्रेस करिए, और इस वीडियो को शेयर करें जो भी अपने फैमिली मेम्बर जो इस गाड़ी का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और गाइस इसमें कुछ नहीं, मैं आपको लास्ट में एक बार साउंड सुना देता हूँ गाड़ी का और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। इस टाइप का आपको साउंड मिलेगा और इंजन का साउंड आप सुन सकते हैं यहाँ पर। अब गाइज मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है तो वहाँ पर जाके मुझे DM करना ना भूलें अगर कोई भी आपको क्वेरी हो बाइक से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।